वार्ड फॉर कम्युनिस्ट पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा, इलेक्शन जीत के आएगा तो हम क्या कर सकता है वो लोगों को सामने रखने का, जो हमारा इश्यूज है आपका सामने, हमारा मुंबई हो पहले भी आया था जो सभी मंगल है, और हमारा उनका तरफ से जो प्रकाशन करेगा और उन्होंने कुछ आपका सामने। कॉम्रेड विजय कृष्ण सीपीआईएम पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटरी मेंबर है और ऑल इंडिया किसान सभा का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है, वो अभी आपको दो मिनट बात करें। ये हमारा यहाँ के लिए जो मैनिफेस्टो है, कॉम्रेड अय्यपन इस चुनाव में लड़ रहे हैं, इसका पहले एक कॉपी आप सभी को। ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, हमारे देश के जनवाद और संविधान को बचाने का एक लड़ाई है और देश में जो कॉरपोरेट लूट मचा है उसको रोकने का, और आम जनता जो मेहनतकश किसान उनके जो रोजमर्रे के मुद्दे हैं उसको लेके, जैसे महंगाई हो, जो रोजगार का दिक्कत है हमारे युवाओं के लिए, ये सभी मुद्दों को लेके हम लोग इस चुनाव में और इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें एक ध्रुवीकरण करने का कोशिश है उसके खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ने का हम लोग इस मुहिम में हम लोग सभी आए हैं इस चुनाव में। एक बुलंद आवाज पार्लियामेंट में जरूरत है। अंडमान का जो मुद्दे वो कॉम्रेड अय्यपन आपको बताएंगे, इसमें जो मैनिफेस्टो में और जो मुद्दे है, यहाँ पे भी हम जानते हैं कैसे यहाँ के जो जमीन है कॉरपोरेट कंपनियों को देना, पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए, ये ऑयल पाम का कल्टीवेशन के लिए ये सभी चल रहा है। यहाँ का जो पर्यावरण का मुद्दा है, यहाँ का युवाओं के लिए जो रोजगार का हो या बेहतर शिक्षा का जो प्रबंध करना, ये सभी का दिक्कत है। इन सभी मुद्दों को लेके यहाँ खास करके जो बहुत बड़े पैमाने में सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या टीचर्स वगैरह है, उनको बहुत बड़े पैमाने में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ये सभी जो मुद्दा है इसको हम उठाएंगे इस चुनाव में। और पिछले 5 साल जो यहाँ से एमपी बन के गए, अंडमान से जो चुन के गए, वो पार्लियामेंट में चुप रहे या जो केंद्र सरकार है उनके साथ एक पैसिव साइलेंस रखते हुए उनको ही बढ़ावा देने जैसे यहाँ पे भी काम, उनका और भाजपा में बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं देखा गया। जैसे वो सीएए का मुद्दा है उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, अन्य जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और दंगे होते हैं उसके खिलाफ भी एक स्पष्ट रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं रहा। ये सभी को लेके कॉम्रेड अय्यपन और डिटेल से कॉम्रेड विजय कृष्ण हमारे पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटरी मेंबर, ब्रीफली नेशनल सिचुएशन के बारे में बताया था। उन्होंने ये मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो, लोकल इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया, और इसके अलावा जो है हमारा पार्टी का नेशनल लेवल का एक मैनिफेस्टो है, वो भी आपको दे देंगे एक दो दिन के अंदर में। इसमें 33 इश्यूज के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। अगर अंडमान निकोबार से सीपीआईएम पार्टी अगर जीतेंगे तब हम ट्राई करेंगे ये 33 पॉइंट्स इम्प्लीमेंट करने के लिए अंडमान निकोबार लोगों के लिए। तो उसमें सबसे पहले है प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द आइलैंड्स यूनिक एथोस एंड सोशल फैब्रिक, यूनिटी एंड एमिटिंग डाइवर्सिटी। ये तो अंडमान एक मिनी इंडिया है, ये मिनी इंडिया का तरह जो रखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए बहुत कोशिश चल रहा है, खास करके संघ परिवार का ओर से पिछले कई सालों से जो है जो भाईचारा हमारा देश में, हमारा अंडमान निकोबार में है, वो तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब तक सीपीआईएम इधर में रहेंगे, सीपीएम ये अलाउ नहीं करेगा, सीपीएम उसका विरोध करते रहेगा। और दूसरा जो है हमारा मांग है लेजिस्लेटिव असेंबली, पौंडीचेरी मॉडल का लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन होना चाहिए अंडमान निकोबार में, और निकोबार डिस्ट्रिक्ट के लिए सेपरेट लोकसभा सीट, निकोबारी ट्राइबल्स के लिए रिजर्व करने के लिए ये हमारा डिमांड है। और इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, लोग जो अभी अनचेक्ड पॉपुलेशन जो है इधर में आ रहे हैं, ये
कौन लेके आ रहे हैं ये लोग, वो कैसा आ रहे हैं, मैं कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, इसका बारे में भी जो है जांच होना चाहिए। और पूरा जो है 100% जॉब यहाँ का जो है पूरा जो जॉब जो है नौकरी है गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रुप बी नॉन गसल्ड एंड ग्रुप सी में, ये पूरा से पूरा पोस्ट अंडमान निकोबार का नौजवानों को देने के लिए उचित कानून बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे और ऐसा स्कीम बनाएंगे जिसका जरिया से अंडमान निकोबार का नौजवानों को नौकरी मिल सकते। और अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस हम लोग हमेशा पहले भी हम लोग रखते थे कि अंडमान में जो है 1,00,000 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट डिसीज में नाम रजिस्टर करके बैठा है, तो इनका कोई आमदनी नहीं है, लड़का घूमता है उधर, पेरेंट्स से डिपेंड है। तो हम चाहते हैं कि जो है जैसा केरल वगैरह में है अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस बेरोजगारी भत्ता वो देने के लिए हम कोशिश करेंगे। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज़्यादा से और ज़्यादा से ज़्यादा सामान सिविल सप्लाईज का पब्लिक PDS का थ्रू से जो है देने के लिए हम लोग कोशिश करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी आने के बाद में जो है ये चीनी वगैरह बंद हो गया, सबको चीनी मिलता था अंडमान में, वो सब बंद हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स इसका थ्रू से देने के लिए हम लोग कोशिश करें। और फॉरेस्ट डीम्ड फॉरेस्ट लैंड जो है यहाँ डेवलपमेंट पर्पज के लिए खास करके आउटस्टेशन में जमीन नहीं मिल रहा, ये जो है देखते हुए हम लोगों ने अभी मांग रखा है कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा और ज़्यादा जो है डीम्ड फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करके डेवलपमेंट पर्पज के लिए यूज़ करना, ये हमारा मांग है। और ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबल्ड पेंशन, ये सबका बढ़ोतरी होना, ये जो कितना बढ़ना है ये अब तय नहीं किया, लेकिन पहले से हम लोग मांग किया 10,000 रुपीज़, अब ये 2,500 रुपया दे रहे हैं, 10,000 रुपीज़ दे रहा है, हमारा मांग था वो अमाउंट अभी इसमें नहीं लिखा। और रिवाइवल ऑफ रेड ऑयल पाम प्लांटेशन लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान में ये जो पाम ऑयल प्लांटेशन, रेड ऑयल पाम प्लांटेशन, तो ये जो है अभी 1,000 से ज़्यादा हेक्टर में जमीन फैला हुआ है, मतलब प्लांटेशन फैला हुआ है, ये अभी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, ऐसे छोड़ के रखा है, जिसको भी अंदर जाके एंक्रोच कर सकता है, तो इसका जो है ठीक तरीके से रिवाइव करके प्लांटेशन दोबारा उधर पर रिवाइव करेगा, कम से कम लिट्टांडमान का लोगों को जो है नौकरी मिलेगा, ये हमारा मांग है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स टू एनकरेज फार्मर्स को जो है और ज़्यादा सहूलियत देने के लिए जो उपाय जो है हम ढूंढेंगे। प्रोक्योरमेंट ऑफ डीहस्क्ड कोकोनट्स डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स, जो फार्मर्स से जो है डायरेक्टली वो छिलका निकाला वाला जो कोकोनट है, क्योंकि अभी कोपरा का MSP के बारे में बोलते हैं, यहाँ का कोपरा जो है मेलन लेके नहीं जा रहा, यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ का कोपरा मेला लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट का टाइम में इसका जो खराब हो जाता, इसलिए कोपरा अभी नहीं ले रहे, एडवर्टाइजमेंट बहुत आ रहे हैं, बहुत न्यूज़ आ रहा है कि MSP दे रहे हैं, यहाँ MSP नहीं मिल रहा है, आप कैंपल पे जाइए लेना, MSP नहीं मिल रहा है यहाँ का जो किसानों को, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर उस तरह कोई सिचुएशन है तो जो छिलका निकाला वाला जो है होता नारियल यहाँ से लेके जाने के लिए MSP दे करके, ये भी हमारा मांग है। और अरेकनेट का ऊपर में, सुपारी का ऊपर में जो है GST लगा के रखा है, हमारा यहाँ का जो नॉर्थ मिडिल लिट्टांडमान वगैरह का जो किसान लोगों को 4 पैसा हर साल मिलते थे वो सुपारी बिक्री करके, अभी GST लगा करके जो है लोगों को परेशान कर रहा है, अगर CPM अगर यहाँ से जीत के जाएंगे तो हम ये GST हटाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और फिशरीज बेस्ड इंडस्ट्रीज का, फिशरीज एंड टूरिज्म दो ही सेक्टर था इधर में, पहले से हम लोग बोल रहे थे कि नौकरी क्रिएट करने के लिए जो है लाइक वाल, लेकिन जो है इधर में फिशरीज को एकदम नेग्लेक्ट करके रखा, फिशरीज में बहुत पॉलिटिक्स है, और उसके बाद में अपग्रेडिंग एंड ऑगमेंटिंग हेल्थ केयर सर्विस, अंडमान निकोबार में हेल्थ केयर बहुत खस्ता हालत में है, और इसको जो है सुधार करने के लिए पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में स्पेशलिस्ट का जो है पोस्ट है और वो फैसिलिटीज दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और डिग्री कॉलेज से डिग्लीपुर और कार्निकोबार में डिग्री कॉलेज का खोलने के लिए हम कोशिश करेंगे। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सफिशेंट ड्रिंकिंग वाटर का, पीने का पेयजल का जो है बहुत किल्लत है पूरा अंडमान निकोबार में, आपको पता होगा खास करके पोर्टलेयर में जो है पिछले साल जो है 10 दिन में एक बार पानी दिया था। अगर CPM अगर जीतेंगे तो हम लोग सही प्लानिंग करके सब जगह में सही तरीका से पानी देने के लिए कोशिश करेंगे। ग्रैंड ऑफ सब्सिडी ऑन एयर फेयर असेसमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का तरह यहाँ में भी एयर सब्सिडी देने के लिए
कोशिश करेंगे। ये इश्यू बहुत दिन से जो है डिस्कशन में, लेकिन कुछ होता नहीं। और चातम बेम्बोवलाट का बीच में जो ब्रिज बनाने का प्राइम मिनिस्टर से लेके सारे लोग आकर के वादा करके किया, जो प्राइम मिनिस्टर का पहले का जो 2014 का वादा का तरह, ये भी जो है 2018 दिसंबर 30 तारीख को नेताजी स्टेडियम में जो है अंडमान निकोबार का लोगों को संबोधित करके उन्होंने ऐलान किया था कि हम बेम्बो फ्लैट और चाटंग का ब्रिज बनेंगे। लेकिन आज जो है 6 साल हो गया, अभी तक ये ब्रिज के बारे में कुछ भी काम नहीं है, 1% भी काम अभी तक हुआ नहीं है। प्रॉपरली जो है होगा नहीं होगा करके भी बताता नहीं। लेफ्ट आउट जो कैटेगरी का जो सेटलर्स है उनको ओबीसी में लेके आने के लिए, जैसा कैंडलवे में है और डिग्रीपुर में है, तो नेग्लिजिबल नंबर है, उन लोग थोड़ा से लोग हैं, वो इसमें पंजाब का है, केरल से है, तो उनको भी जो है ओबीसी के अंदर में लेके आने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और पोर्ट लेयर में शिप रिपेयरिंग यार्ड का जो गठन करने के लिए सीपीएम मांग रखेंगे। और नेचुरल गैस एंड ऑयल, यहाँ जो है पहले बहुत साल 20-25 साल पहले एक बार जो इधर में एक्सप्लोरेशन किया था बे ऑफ बंगाल में अंडमान सी में आकर के 25-30 साल पहले, बहुत साल पहले, उसके बाद में वो छोड़ दिया, फिर वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं चला। अभी हम मांग कर रहे हैं कि अंडमान निकोबार से सीपीएम मांग कर रहा है कि इधर में ऑयल एंड गैस का वो एक्सप्लोरेशन अंडमान सी में होना, यहाँ जो है पूरा नेचुरल गैस है, ऑयल एंड नेचुरल गैस अंडमान का जो सी में है करके सुनने में, उसके बारे में जो है एक्सप्लोरेशन करना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लैंड में जो इंक्रोचमेंट किया है अभी तक का जो है, उसको सारा इंक्रोचमेंट को रेगुलराइज करना, ये भी हमारा मांग है। और हाउस एड टू ऑल लैंडलेस आइलैंडर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर होने के बाद में, यहाँ रिटायर तक जो है क्वार्टर में रहता कैसे, आजकल जो है हम लोगों ने देखा बहुत लोगों को अपना घर नहीं है, जमीन नहीं है, रिटायर होने के बाद में किराया घर में जाते, इवन सारे लोग हम लोग कहते हैं कि इधर में 342 का लोग है उनको सबको जमीन, ऐसा नहीं है। अभी हमको कई केसेस है, हंड्रेड्स ऑफ केसेस हम दिखा सकते हैं कि किराया घर में रहता है। तो इतना भी जो लैंडलेस लोग है इधर में, उनको जमीन देना, खास करके जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स जो रिटायर्ड जो है उनको। और ज्यादा से ज्यादा शिप जो है मेनलैंड आइलैंड एंड इंटर आइलैंड सेक्टर के लिए और ज्यादा शिप का जरूरत है, खास करके जो इधर में कार्गो शिप जो है इधर में नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर का कार्गो शिप सब खत्म हो गया, एक भी शिप मेनलैंड आइलैंड से आता नहीं है, सारा कार्गो जो है प्राइवेट शिप में लेके आता। प्राइवेट शिप का कुछ इश्यूज है, वो हम बाद में बताएंगे, अभी जो है नहीं बता रहे, उसमें बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए बहुत देखे खतरनाक मतलब सिचुएशन में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि सारा कार्गो शिप अगर बंद हो जाएगा क्या होगा अंडमान का हालत, तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में कार्गो शिप का होना बहुत जरूरी है। उड़ान स्कीम अंडमान निकोबार में अभी तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये तो हमेशा पूरा जो है मतलब अनाउंसमेंट बहुत कुछ होता है, काफी जो है इधर में रेडियो में, टीवी में, न्यूज़पेपर, टेलीग्राम में सब जो है वो पूरा अनाउंसमेंट आ रहा है, लेकिन हकीकत में इधर में कोई कनेक्टिविटी आई थी, रीजनल कनेक्टिविटी कहता है, उड़ान जो है अभी तक अंडमान में शुरू नहीं हुआ। और जो कई कैटेगरी का एम्प्लॉइज है, जो एलिजिबल एम्प्लॉइज, उनका जो है कैटेगरी का अपग्रेडेशन होना चाहिए, खास करके जो है लोअर ग्रेड क्लर्क एंड हायर ग्रेड क्लर्क का, ये भी होना चाहिए, ये भी हमारा मांग है। और वर्कर्स का डेली रेटेड मजदूर्स, आउटसोर्स वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, इनका जो है रेगुलराइजेशन तुरंत होना चाहिए। और करप्शन भ्रष्टाचार हर स्तर में जो है भ्रष्टाचार बंद करने के लिए सीपीएम कोशिश करेंगे। और डीम्ड अबोलिशन पोस्ट, यहाँ जो है हजारों पोस्ट जो है डीम्ड अबोलिशन पोस्ट है, ऑटोमेटिकली 3 साल के बाद में ऑटोमेटिकली पोस्ट से डीम्ड अबोलिशन हो जाएगा, और वो पोस्ट जो है रिवाइव करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद में नॉर्थ मिडिल में डिस्ट्रिक्ट में कोई एक जगह में एक टाउनशिप, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक टाउनशिप होना चाहिए, वो टाउनशिप में उधर में हॉस्पिटल, इंटरनेशनल लेवल का जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और स्टेडियम, स्कूल वगैरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, उधर में ये डेवलप डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा, उधर से लोग इधर में आने का जो है माइग्रेशन होगा,
और उधर में अभी डिफेंस सेक्टर वगैरह जो है उधर में एक्सपांड हो रहा है, तो कोई एक टाउनशिप जो है मिडिल नॉर्थ मिडिल में इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, हमारा मांग है। और डीएमडी यूनिवर्सिटी का ऊपर दोबारा जो है एक रीलुक होना चाहिए, दोबारा इसका बारे में सोचना चाहिए, ये इतना हमारा डिमांड है। ये हम आपको जो है मेल करके दे देंगे इसमें।